आगे लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, उसको लेके हम लोग आज बैठे हैं। हम लोग तैयारी का अपना एक प्रारूप बना रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पूरी तरह अच्छी तरह से गठबंधन धर्म का पालन करें और यहाँ पे पूरा झारखंड में राजमहल लोकसभा सीट भी हम लोग मजबूती से प्राप्त करें, इसको लेकर हम लोग अपना रणनीति आज बना रहे हैं बैठ के। और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और सभी लोगों को अपना अपना जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार किया है और निश्चित रूप से हम लोग इस बार यहाँ पे एनडीए का परचम ला रहे हैं, इसको लेकर तैयारी हम सिंबल दे। और आज हम लोग अपने बीच झारखंड आंदोलनकारी हमारे माननीय प्रदीप कुमार वर्मा जी, अरविंद आनंद जी और वृंदावन पासवान जी को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मान दिया और यह प्रस्ताव पार्टी ने दिया है कि भविष्य में भी कोई भी कार्यक्रम पार्टी का होगा उसमें हमारे जो माननीय सम्मानित सदस्य हैं उनको हम लोग सम्मानपूर्वक बुलाकर हमेशा सम्मानित करने का काम करेंगे और उनका हम लोग ख्याल रखेंगे।